तो बच्चों एक बच्चे का डाउट था कि हम CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस दिस गिव्स CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस को हम बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम इसका कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो OH पर माइनस एक होता है ना, तीन माइनस होगा तो क्रोमियम पे कितना प्लस होगा, तीन का प्लस होगा। आयोडीन पे कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन का दो होता है माइनस का, तो तीन दूनी छह में से घटा दो, आयोडीन का कितना आएगा प्लस का पांच आएगा। ऑक्सीजन का चार दूनी आठ में से दो घटा दो, क्रोमियम का आएगा प्लस का छह और आयोडीन का दिया माइनस का वन। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो OH माइनस है ना, ऑक्सीजन का माइनस दो और हाइड्रोजन का प्लस वन, ये बदल नहीं रहा है तो हम इसको ड्रॉप करते हैं अभी के लिए। फिलहाल हम इसको ऐसे लिखेंगे आयनिक फॉर्म में। देखो Cr प्लस थ्री, यहाँ पे लिख लो IO3 माइनस दिस गिव्स CrO4 टू माइनस प्लस क्या होगा I माइनस। अब यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर पांच है, इधर भी तुम्हारा छह है और यहाँ है तुम्हारा माइनस एक। आई माइनस मतलब माइनस एक ऑक्सीडेशन नंबर। अब तीन से गया छह तो बोलो चेंज कितने का हुआ, तीन का, ठीक है। पांच से गया माइनस एक तो चेंज कितने का होगा, छह का। अब ये नंबर कटने वाला तो काट दो, तीन एक कम तीन और तीन दूनी छह। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इसके पास और दो का इसके पास, तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दो, एक का तो कुछ मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखो दो क्रोमियम, इधर कितना क्रोमियम है, एक क्रोमियम, तो इसको दो से कर दो मल्टीप्लाई। आयोडीन देखो एक है और आयोडीन देखो एक है। अब क्रोमियम और आयोडीन बैलेंस है, ऑक्सीजन को भी बैलेंस नहीं करेंगे। जब भी तुम ऑक्सीडेशन नंबर को इस मेथड से बैलेंस करो तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी एटम उन्हीं को बैलेंस करो, ठीक है। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे चार्ज बैलेंस। तो इसके बाद हमारा स्टेप होता है चार्ज बैलेंस करना। इधर देखो दो तीन छह प्लस का छह और माइनस एक, टोटल प्लस में कितना आ रहा है, प्लस में पांच आ रहा है इस साइड में। इधर देखो दो दूनी चार माइनस चार और माइनस एक, इधर कितना चार्ज आ रहा है, माइनस का पांच आ रहा है, यानी दोनों साइड में हमको माइनस पांच करना पड़ेगा। और हमारा मीडियम कैसा, बेसिक मीडियम, तो हम जोड़ेंगे क्या OH माइनस, तो इधर प्लस पांच है, अगर माइनस दस, अगर यहाँ पे तुम्हारा माइनस दस आ जाता, यानी टेन पे देखो OH पे कितना होता है, एक माइनस होता है, तो दस की वजह से माइनस दस हो गया और प्लस पांच कितना होगा, माइनस का पांच हो जाएगा। अब हम जहां से जिसको हटाए हैं उसको अरेंज कर देंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। देखो भाई अब इतना लिखने के बाद जब तुम इधर 10 हाइड्रोजन किए हो तो इस साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाई पे H2O क्या करो, ऐड कर दो। देखो पांच दूनी 10, 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहां देखो क्रोमियम के बगल से तुम क्या हटाए थे, OH हटाए थे ना, तो उसको लिखो 2Cr, यहाँ पे लिख दो OH का होल थ्राइस, यहाँ पे देखो IO3 माइनस, यहाँ पर देखो कितने है 10 OH है और यहाँ पे दूतियां 6, 6 तो चला गया, बचा कितना 4, तो लिख लो 4 OH माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 Cr 2 माइनस AI माइनस प्लस 5H2O। तो यही था आपका बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन का बैलेंसिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लें, और भी अगर आपको रिएक्शन अगर बैलेंस करने में प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो।